परमात्मा कहते हैं सोहम शब्द हम जग में ले आए और सार शब्द हमने गुप्त छिपाई। सार शब्द का छींटने लागण दिन ब्रह्मा विष्णु महेश के ये सोहम मंत्र भगवान ने लाकर डिस्कवरी करके आविष्कार किया, यानी और कहीं सृष्टि में नहीं है ये मंत्र, और शंकर भगवान को दिया तो वो उनका शिष्य हुआ। तो कहते हैं गरीबदास जी को बताया परमेश्वर ने, हम बैरागी ब्रह्म पद और सन्यासी महादेव और सोहम मंत्र दिया शिव जी को, वो करे हमारी सेव। अब क्या हुआ कि परमात्मा ने देखा कि फिर दोबारा जाता हूँ, देखता हूँ इनमें कितनी श्रद्धा बनी है, फिर कंप्लीट कोरस देते, ये पांचों मंत्र देते उनको, फिर सार सतनाम देते। और मालिक ये चाहते थे जब ब्रह्मा विष्णु महेश का यह बात समझ में आएगी मेरे वाली तो सारा काम हल्का हो जाएगा, सारे प्राणी इनको मानते ही हैं ये बता देंगे। उधर से परमात्मा के वहाँ से हटते ही काल आ गया ब्रह्मा की बुद्धि में और अंदर से प्रेरणा करता है, ये झूठा है, ये कहाँ से प्रमाण लाया है, फलान है, वेदों में ऐसा कुछ नहीं है। तो दूसरी बार जब परमात्मा गए उसको देखने के लिए कितनी दृढ़ता हुई, तो ब्रह्मा जी ने आनाकानी कर दी कि नहीं महाराज जी, आपका ज्ञान प्रमाणित नहीं है। परमात्मा जान गए कि काल आ गया इसकी बुद्धि में, भूत की तरह बैठ गया आके। फिर विष्णु जी के पास गए, विष्णु जी को भी काल प्रेरणा से, विष्णु जी ने कहा कि नहीं महाराज जी, आपकी बात नहीं अच्छी, ठीक सी जची नहीं। परमात्मा समझ गए भी ठीक है, अधिकारी बिना यह चीज दे के करागे की। ऐसे शंकर जी के पास गए, उन्होंने भी बात ध्यान से सुनी नहीं, तो मालिक जान गए कि काल ने बुद्धि फेर दी। लेकिन ये फिर भी साधु संत के रूप में उनका सत्कार बहुत करते हैं। अब जब परमात्मा नीचे से गए, गरीबदास जी को तो दिखाई दे रहे थे जिंदा महात्मा, और ब्रह्मा विष्णु महेश को उसी रूप में दिख रहे थे जिस रूप में उनको पहले मिले थे, तो इस करके तुरंत खड़े हुए प्रणाम किया। तो गरीबदास जी देख रहे हैं, परमात्मा कह रहे हैं ये तरफ, ये ब्रह्मा जी भाई, ये विष्णु जी हैं, बच्चा ये शिव जी हैं। और जब आगे को चले, जब गरीबदास जी ने देखता जा पाछे ने अखर ही ब्रह्मा विष्णु महेश भी बाबा जी ने सलाम करे, ये तो भाई तो कोई तगड़ी पावर है। अब जब तक नो पेटा ना भर ले इतना गवाह क्यों कर बने पक्के। फिर धर्मराज के दरबार में गए, जो सबका लेखा जोखा अकाउंट करता है, जिसके सामने ब्रह्मा विष्णु महेश की हिम्मत नहीं, वहां जाकर वो कोई उसमें फेर बदल करवा दे। तो जो ही परमात्मा गरीबदास जी को लेकर प्रवेश किया धर्मराज के दरबार में, और जैसे बड़ा अधिकारी छोटे अधिकारी को डांट लगाता है, और जो ही परमात्मा प्रवेश किए लेकर के गरीबदास जी को साथ थे, तो धर्मराज न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ ए ब्रह्मांड खड़ा हो गया और कुर्सी तक के साइड में बैठ के खड़ा हो गया। और परमात्मा डांट लगा रहे हैं, गरीबदास जी ने बताया फिर आकर के, धर्म राय दरबार में दही कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। कजाक माने डफर आदमी, खबरदार दे मेरे बच्चे को पकड़ लिया था, मेरे भगत को। फिर धर्मराज कहता है, बोले पुरुष कबीर से वो धर्मराज कर जोड़े, आपके भगत न पकड़ू नहीं मुझे दो ही लाख करोड़े। ओए होए होए, फिर काफ़ी वार्ता हुई उनकी। फिर धर्मराज ने कहा कि भगवान देखो, जब तक यहाँ का तो रूल है, नियम है, आप तो जानी जान हैं कि जो जैसे कर्म करेगा दोनों भोगने पड़ते हैं। मेरे पास प्रत्येक आत्मा के दोनों अकाउंट हैं, बैड और गुड, पुण्य और पाप। आपके शरण में आने से पहले जो जिनके पाप हैं उनका दंड तो मुझे देना पड़ेगा, इसका कोई समाधान बताओ, नहीं तो मैं नहीं पकड़ूंगा, इनको दंड देना पड़ेगा, मेरी मजबूरी है। परमात्मा कहते कर्म भ्रम ब्रह्मांड के मैं एक पल में कर दो नेश, क्रॉस कर दूंगा उसके ऊपर, और जिन हमारी दुहाई दी सो करो हमारे पेश, मेरे पास ले आना, वहां पर वहीं पर एक मिनी सतलोक है। फिर गरीबदास जी को सचखंड अपने लोक में ले गए, गर्मा द्वार पार करके आगे मिला फिर वो अक्षर पुरुष सात संग ब्रह्मांड का स्वामी। जब परमात्मा उसके निकट आए सिंहासन छोड़ कर खड़ा हो गया,
और परमात्मा को ने बताया कि ये है बेटा वो परब्रह्म, और ये ऐसे वहाँ सो गया था जल में, इसने भी वहाँ थोड़ी बकवाद सूझी थी इसलिए इसको भी बाहर निकाल दिया, लेकिन ये उस काल से अच्छा आदमी है, उससे ठीक है वो, लेकिन इसकी भी जन्म मृत्यु होती है, यहाँ के प्राणी भी जन्म मृत्यु में हैं। फिर बर्मा द्वार पार करके बाहर गुफा से आगे निकल गए, सतलोक आया, वहाँ क्या देखा कि इतने सुंदर बाग ओए होए सदाबहार वृक्ष और बड़े सुंदर झरने बह रहे हैं सोने, और वहाँ तो सोने के पहाड़ हैं, हीरों के पहाड़ हैं, जैसे यहाँ पत्थरों के पहाड़ हैं वह हीरे मोतियों के पहाड़ हैं, और यहाँ तक किसी के पास एक 100 ग्राम सोना हो जाए छाती की डुक्का काख पीटे, वहाँ तो पत्थर की तरह भरती हो इन सोनों को, तुम ठोकरों पड़े रहेंगे हीरे मोती लाल तुम्हारे, दूधों की दरिया बह रही है, दूधों की दरिया, दही शहद और बाकी सब सुविधाएं वहाँ पर हैं, अलग अलग आपके मकान महल जो के इतनों खड़े हैं खाली पड़े हैं, जिनको छोड़ कर आकर आप यहाँ भिखारी बनकर दर दर सारा दिन एक पेट पूरा नहीं होता, सारा जीवन मर जाते हो खप जाते हो इस कंगाल लोक में आ गए। तो पुण्यात्मा परमात्मा ने वहाँ दिखाया उसको सारा कुछ, और कहने लगे आ जाए तेरे को भगवान से मिलाता हूँ बेटा। अब वहाँ परमात्मा अपना एक दूसरा रूप बनाकर ज्यों के त्यों उसी रूप में जो नीचे से गए थे, और उस पर बैठे सिंहासन के ऊपर जैसे राजा विराजमान होते हैं, और मुस्कुराहट मालिक के चेहरे पे सिर पे मुकुट ऊपर श्वेत छत्र एक चंवर रखा था साथ में, नीचे से गए हुए जिंदा वाले रूप में परमात्मा ने चंवर उठाया, अपने ही दूसरे रूप पर जो सिंहासन पर बैठे थे चंवर घुमाया, जैसे एक उसको करते हैं गुरुजी के ऊपर करते हैं, पहले राजाओं के ऊपर भी होते थे चंवर। गरीबदास जी ने सोचा कि ये भगवान तो ये है जो ऊपर बैठा सिंहासन पर तख्त पे, और ये बाबा जी तो इसका कोई भगत है, यहाँ का कोई सेवक शावक होगा, इतना सोच ही रहे थे वो तेजोमय शरीर जिसके एक क्रोम को करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा इतनी रोशनी थी, जो तख्त पर सिंहासन पर बैठे थे भगवान, फिर वो खड़े हुए, और जिंदा महात्मा जो नीचे तक गए थे ऊपर वो बैठ गए अनंत कोट पर सिंहासन, और वो चोर करने लगा दूसरा रूप उठा के तेजो में शरीर वाला। अब गरीबदास जी नो देख रहे थे बाबा जी ये भगवान बाबा जी पे चोर कैसे कर रहा है, इतने में वो तेजो में शरीर जिंदा महात्मा के शरीर में समा गया, और चोर अपने आप घूम रहा है, बोलो सतगुरुदेव। जब परमात्मा ने कहा था कि मैं हम ही अलख अला हैं कुतुब गोस और पीर गरीब दास खालिक दनी हमरा नाम कबीर, ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अधर बसूं ऊपर रहता हूं अवगत सत कबीर। तब परमात्मा ने बताया कि बच्चा मैं 120 वर्ष काशी शहर में एक जुलाहे की भूमिका करण गया था इस ज्ञान को बताने के लिए, लेकिन उस समय उन भोले बच्चे तो मेरे ही हैं, ब्राह्मण भी ऋषि भी चाहे मुल्ला काजी हैं वो तो भगवान के बालक हैं, लेकिन वो भांग पी रहे तो क्या करें, अब बच्चा कितना अच्छा हो और शराब पी ले और पिताजी उसकी थोड़ी सी बाधा कर दे उसके उस काम में तो गाली देने लग जा और मरमा ने पत्थर मारन लग जा, तो पिता ने वो बुरा नहीं लगता, उसको पता है शराब पी रखी है, और जब शराब उतर जाती है फिर लोग पिताजी नमस्ते। तो इसी प्रकार परमात्मा का जो विरोध कर रहे थे वो भी उन्हें बुरे नहीं लगे थे, इसी प्रकार ये स्थिति आज हो रही है इस दास के साथ। अब जिन्होंने काल की भांग पी रखी है वो तो रामपाल गुंडा है, बदमाश है, झूठा है, सबकी निंदा करता है, और जिनकी अब भांग उतर गई अब ये नोके सत्साहेब गुरु जी सत्साहेब गुरु जी। तो परमात्मा ने बताया कि बेटा वहाँ उन्होंने सुन दी थी मेरी बात, रोला रड़ा दी, और मैं तेरे को भी यथार्थ ज्ञान दूंगा क्योंकि उस समय मैंने ज्ञान दिया था,
उसमें काल के दूत पहुंच गए, उन्होंने काफी उसमें गड़बड़ कर दी है, अरे ऐसा ज्ञान तेरे हृदय में भर दूंगा, तो जाके लिखवा दिए, लेकिन यू सतनाम और सारनाम दिए मत बेटा किसी ने, और तू जाप करिए, मैं तुझे फिर आऊंगा, फिर मिलूंगा, पहले पहले पुंत्र का जाप कर, फिर मैं तुझे सतनाम दूंगा, और फिर सतनाम का जाप कर लेगा, फिर तुझे सारनाम दूंगा, लेकिन ये डिस्क्लोज ना करना, पर लिख देना उस वाणी में, फिर हम अपना दास और भेजेंगे, उस जो 5500 के आसपास कलयुग बीत जा चुका होगा बिछली पीढ़ी में, फिर ये सारे काम आएंगे, और आप जाके गुणगान मेरे जरूर कर दो। अब गरीब दास जी ने देखा वहाँ का ठाठ और वहाँ के टिब्बे, वहाँ वर्षा नहीं हुआ करती, टिब्बे हुआ करते सुडानी में, बुढ़े बुढ़े रेतले जैसे राजस्थान है की स्थिति है, उससे भी बदतर थी, और यहाँ के इसे ठाठ उतरा गजब भैया, तो कहने लगे महाराज यही रख ले मुझे, मैं ना जाता वहाँ पर। परमात्मा बोले बेटा जाना पड़ेगा, तो मेरा गवाह बनेगा, तेरे भाई बहन कैसे समझेंगे वहाँ पर, आप तो बताओगे आंखों देखा किसी के विश्वास होगा, तभी तो आप आपके भाई बहन आपके घर से परिचित होंगे, मेरे से परिचित होंगे। और देखो जब आप यहाँ से गए थे भक्ति युक्त थे, आपका चेहरा ऐसा था, देखो जैसे भगत यहाँ घूम रहे हैं, वहाँ पता नहीं कितनी सृष्टि है, वहाँ ऐसे नर नारी लोकिन सृष्टि, जैसे उसने इसने डुप्लीकेट कर रखी है, ये मिट्टी के खिलौने समझ लो, वो सोने के, ये नाशवान है, वो अविनाशी शरीर है, काम सारे नो के नो है, लेकिन वहाँ मृत्यु नहीं, वृद्धावस्था नहीं, और वहाँ पर कोई अभाव नहीं किसी वस्तु का, राग द्वेष नहीं, कोई झगड़ा नहीं, इतना प्यार, इतना सुख है, सुख है, सुख सागर किसे कहते हैं, जिस समुद्र में दूसरी चीज ना हो, पानी हो, पानी पानी पानी, उसको सागर कहते हैं, तो वहाँ सुख का सागर है, और ये दुख का सागर है। तो फिर गरीबदास जी को समझा बेटा अब जाना पड़ेगा, और मैं तुझे ऐसा मंत्र दूंगा, एक के बार के सांस के सुमरण करते न सोच ले, प्रेशर से जैसे हवा भर जर टायर में गेला उठता चला गया, ऐसा मंत्र दूंगा, तेरी आत्मा इतनी परिपूर्ण हो जाएगी। तो गरीबदास जी बोले ठीक है जी, जैसे आपकी आज्ञा, पर बेटा घबराइए ना, मैं तेरा साथ रहूंगा ना, काल जीण दे तुझे, जब तुम ये गुणगान लागोगे मेरे आड़े, तो सबके में दुश्मन हो जाएगा तुम्हारा, भूत भी, प्रेत भी, पितर भी, और साथ में ये ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नारद भी, लेकिन मैं प्रत्येक के साथ रहूंगा, मेरी झलक नारी दिखेगी आपके साथ, तो आपसे 10 किलोमीटर दूर रहेंगे, निकट नहीं आ सकते कोई भी। कहते हैं जब मेरा नाम प्राणी ले लेगा ना मेरे दास के माध्यम से, और जब ये मेरे नाम को ले लेते हैं, तो ये देवी देवता पितृ भूत इकट्ठे होकर मेरे पास आए गरीबदास, और मुझे कहने लगे कि अब हम कहाँ जाएं, हमें ठोड़ बताओ, आपने तो हमारी जगह छुड़वा दी, वहाँ तो बढ़ नहीं सकते क्योंकि आपका नाम चल पड़ा, देवी देव ठाडे भये हमको ठोड़ बताओ। कबीर साहब ने उत्तर दिया, जो मुझको पूजे नहीं उनको लूटो खाओ, जो मुझे मेरा नाम नहीं जपते वो तुम्हारे लिए है लूटो खाओ, लेकिन मेरे भगत के निकट मत ले जाओ, ये कान खोल के सुन लो। अब जहाँ भगवान की भक्ति शुरू हो जाती है ना, उन भूत प्रेत पितरां के नुकती ताला बेली सी लग जाती है। अब जिस घर में ये मंत्र आरती शुरू होगी, भगवान की एक बच्चा भी, बहन बेटी कोई भी ले जाकर शुरू कर देता है, तेने सोच ले ऑल आउट लग गया, हर पितर भूत बार है। एक भक्त यहाँ तो ऐसे काफी बहन भाई बताते हैं, हाँ कह जी हमने आपका नाम शुरू किया, आरती शुरू की, वो सारे भूत हमारे दूसरे चाचे ताऊ में जाकर लागे बोलने कि उसने जाप्ता करवा दिया, हम थारे रहा करेंगे। अब वो गए सैने दौरे, वो जो बकवादी आदमी है, वो कहते हैं उन्होंने तो अपना प्रबंध करा लिया, तुम्हारे घर में छोड़ दिए सारे। अब वो फिर उनके लड़े लठम लट्ठा हुए आके कि तुमने सारे भूत हमारे बढ़वा दिए, तो वो फिर हमारे पास आए, मैंने कहा बेटा उनसे ये कहो कि हमने तो ला ली मच्छरदानी, और तुम भी ले आओ मच्छरदानी, सतलोक आश्रम बरवाला में मिल रहा है। हम किसी के भूत ना बढ़ते ना हमने बढ़ने आते, लेकिन काटने जरूर आओ, अपने घर में नहीं छोड़ना, छोड़ना ही उन्हें हमारे पास नहीं रह सकते, वह भगा देंगे। तो गरीबदास जी से कहा बेटा मैं तेरा साथ रहूँगा, चिंता ना करिए, और देख तू चल यहाँ पर।
और देख जल्दी जा, तेरा शरीर नाश कर दिया, उधर चिता पर रख लिया। 10 वर्ष के बालक थे, चिता पर रख दिया, अग्नि लाने की तैयारी कर रहे। उसी समय परमात्मा ने एक सेकंड महात्मा उसके अंदर बरती, एकदम वो बंधन बांध रखे थे ना, जैसे सौ के ऊपर के बांध के ले जाए ना, सक दे गिर ना जा रस्ते में, वो काटे भी ना थे इतने में अपर टूट गए हुए और एकदम खड़ा हुआ। अब जब वो नूना देखता गरीबदास जी शमशान घाट पर रखे ना, तो बात ऐसे भूल जाता कि सपना देखा होगा, माँ बाप रोए, बेहोश होए पड़े और हाहाकार गांव में माचरी चिता के ऊपर रखा। जो भाई उसको याद रहे तेरे की सचमुच तो भगवान ने था भाई। फिर वह जो मालिक ने उसके अंदर ज्ञान फीड कर दिया था, आपने दास ने बहुत बार बताया है कि 12 पंथों के विषय में कबीर सागर में लिखा है, कबीर वाणी अध्याय कबीर वाणी कबीर सागर के अंदर 134, 136, 137 पृष्ठ पे कबीर वाणी में यह लिखा है कि बर में पंथ प्रगट हो बाणी, संवत 1775 सोई तादिन प्रेम प्रगट है जग सोई। वो 75 नहीं 74 है, गलती लिखा है। और बर में पंथ प्रगट हो बाणी, उस बर में से बर में पंथ प्रगट हो बाणी, गरीबदास जी का बर्मा पंथ, उसके माध्यम से मेरी यथार्थ महिमा की वाणी फिर से प्रगट करवाऊंगा। और शब्द हमारे का निर्णय ठाणी, असंख्य जन्म ठोर नहीं पावे, 12 पंथ हम ही को धावें। फिर बर में पंथ में गरीबदास का जो पंथ चल लेगा, बर में पंथ में हम ही चल कर आवें। तो परमात्मा ना आए तो दास भेज दिया इस ज्ञान को समझाने के लिए। तो गरीबदास जी उठे, उनके अंदर वह वाणी फीड करे दी थी, वो तो लोकोक्तियों के दोहों के क्लिप अतिरिक्त कुछ नहीं बोला है, वाणी बोला है, अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रे थीर, दास गरीब उधारिया सतगुरु मिले कबीर। अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आन, जल के बिम अगाध गति हम सूते चादर तान। ये गांव वाले इस बात ने समझ नहीं कि बालक बोलने की है, वो उसको पागल कहने लगे, मेंटल के बावड़िया हो गया बावड़िया, और बावड़े खुद थे। अब उन्होंने सोचा चल बच्चा ना कुछ समझता ना सुनता, बोल बांडे बांडे है बांडन दो, पर या बेटी हमारी जिसका यू पुत्र है, या अपने इस बावड़े बेटे ने देख कर जीवन यापन कर लेगी ना, या मर जाती तड़प तड़प के। उन्हें इतना सबर कर लिया, छोरा मेंटल तो हो गया, बाबा ने कोई जंतर मंत्र का दूध पिला दिया, अन्यो ना बेरा था यो तो परमात्मा ने कहा कि भगवान तो मिलकर रहा, वो तो भगवान तो मिलकर रहे थे गरीबदास जी थे। ऐसे 3 वर्ष बीत गए और गांव के बालक भी ने कहो बावड़िए आ जाओ, वह बताते सुना दे के सुनाया करे तू, बैठ जा चौगरदा वो मंड जा अपने सुना सारी फीड करे कि कैसेट सी बोल है। 13 वर्ष के हो गए, 3 वर्ष बाद एक दादू साहब थे, दादू साहब जी भी परमात्मा ऐसे लेकर गए थे, उनको वापस छोड़ा था। एक दादू पंथ में एक बनिए के घर का शरीर था, जिसका गोपाल दास नाम के एक लाला जी थे, 65 साल की उम्र हो गई थी, घर त्याग कर सन्यासी होकर उस पंथ से जुड़ गए थे, वो वाणी के महत्व को जानते थे। और वो ऐसे 2-3 वर्ष में किसी चलते रमते राम थे, घूमते फिरते रहते थे। तो 3 वर्ष के बाद वो अपने एक भगत के घर आए छुड़ानी में, उस भगत को मालूम था कि मेरे गुरुजी बड़े पहुंचे हुए आदमी हैं, कुछ थोड़ा बहुत का ला दिया होगा, वो ठीक हो गया होगा थोड़ा बहुत। तो उसने सोचा कि गरीब दास जो छोरी का लड़का है, लड़की का लड़का, वो बहुत दुखी है, सारा दिन बांडे बांडे बोलने जा से रुकता ही नहीं, उसका इलाज करवा दूँ बाबा जी से पूछ के। तो उसने कहा महाराज ऐसे ऐसे हमारी लड़की का लड़का, और उसको किसी बाबा जी ने कुंवारी गाय का दूध निकाल के जंतर मंत्र करके पिला दिया, उसके बाद वो तो मर गया था, चिता पर ठाले गए थे, भाग अच्छे थे बेटी के, वो लड़का जीवित हो गया, लेकिन वो मेंटल हो रहा है, आप कुछ दया करो, संतों की विद्या संत ही काट सकते हैं। गोपाल दास बोला लियाओ बुलाओ, ला दूंगा जाड़ा। अब वो गया भाग्या गरीबदास जी के नाना जी को, और 5-10 बुजुर्ग से लोगों से कहा कि ऐसे मेरे घर पर संत आए हैं और इस लड़के का इलाज कर देंगे, चलो भाई। वो 5-10 भक्त बूढ़े बूढ़े व्यक्ति और 13 वर्ष के बाल गरीबदास जी बाबा जी के पास खड़े कर दिए, गोपाल दास के पास में। गोपाल दास ने कहा कि बेटा वो कौन था जिसने तेरा जीवन नाश कर दिया, बर्बाद कर दिया?
देख इसे मासूम बालक का ऐसे नाश करते हैं। तो गरीबदास जी कहने लगे, गोपाल दास मैं तो आबाद कर दिया, उसने बर्बाद नहीं किया। क्या बताते हैं, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो कौसी मोहे कबीर हुआ। अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आने, जल के बिंब अगाध गति हम सूते चादर ताने। अलल पंख अनुराग है वो सुन मंडल रथीर, दास गरीब उधार दिया मोहे सतगुरु मिले कबीर। दस मिनट तक वह 61-40 वाणिया की। अब बाबा जी तो चक्कर काट गया, अरे गा मालो बावड़ा यू कोई ना बावड़े तुम हो भाई। और 65 साल का आदमी खड़ा होकर ने बोला, भाई महाराज जिसने तो उस मन में आई किसी ने कोई परम संत मिले हैं, गजब की वाणी इनको याद है और सोचा इस वाणी को मैं लिख लूँ तो ना जाने कितनों का कल्याण होगा। तो खड़ा होकर 65 साल का महात्मा कहे तो झाड़ी लान ने तैयार हो रहा था, अन्यों के महाराज यह वाणी लिखवा दो, जीवों के काम आवेगी कलयुग में। गरीबदास जी उठ कर चल पड़े उसकी दृढ़ता देखने के लिए। तो जो व्यक्ति वहाँ गए थे उसको साथ लेकर ट्रीटमेंट कराने, उनके मन में न्यू आई कि इस मतलब तगड़ी बला है, बाबा जी का भी असर हो गया, यू भी गिल गिल हो लिया इसका। कहने का भाव ये है कि गोपाल दास जी को तीसरे दिन परमात्मा ने बात करी कि बात सुन ले भाई, जब कंप्लीट लिखा तो लिखवाऊ कद बीच में भाग गए। कहने लगा, महाराज जी मैं तो घर त्याग के और परमात्मा के लिए निकला हूँ, कोई काम नहीं है, आप दया करो। तो वो कुछ जानता था हिंदी, तो उसने वो लिखनी शुरू करी और गरीबदास जी बोला करते थे। गरीबदास जी के काफ़ी जमीन थी, उनकी एक बाग भी था बड़बेरी का। उस बेरी के बाग में एक डंडी का पेड़ था और उस नीचे बैठ जाते गरीबदास बोला करते और गोपाल दास लिखा करते हैं। अधिकतर वाणी ऐसे लिखेगी, फिर भी जगह जगह समय समय पर बोली वो भी लिखी गई है। तो वो एक ग्रंथ बना हुआ जो दास के पास उपलब्ध है, जिससे दास आपको ज्ञान सुनाता है, वो ग्रंथ बन गया। एक समय गरीबदास जी के इस ज्ञान को सुनकर कुछ भगत बन गए थे। एक भगत गरीबदास जी का शिष्य हुआ, वो ब्रह्मवेदी रोज पढ़ा करता, ब्रह्मवेदी सुबह मंगलाचरण और ओनली ब्रह्मवेदी जो नित्यनेम हम करते हैं, वो केवल ब्रह्मवेदी छांट रहा था इस मत। और वो चला गया इधर लुधियाना साइड में, पंजाब साइड में एक वासियर गांव है लुधियाना के पास, उसके बाहर जंगल में एक तालाब के किनारे वृक्ष के नीचे सुबह सुबह नहा धो के और वो अपने नित्यनेम कर रहा था ऊँचे स्वर में बोल बोल के, याद हो रही थी उसका वाणी। तो और वासियर गांव का एक राम राय नाम का सरदार जी था, उसके 800-900 बीघे जमीन थी, वो भी अच्छा रईस था, किसान था। और वो था थोड़ा जैसे ज़्यादा आदमी सक्की सा होया करे ना, वो मतलब डगमग सा होता था, अविश्वास ज़्यादा करता था किसी की बातों पर। तो उसका नाम वहाँ झुमकरा रख रखा था, उर्फ झुमकरा, राम राय तो ओरिजिनल नाम था, गांव में दूसरा नाम झुमकरा भी रख लेते हैं। तो वो सुबह सुबह फ्रेश होने के लिए गया तो उसने वाणी सुनी। तो उधर के लोग जो पंजाब के लोग वाणी के ज़्यादा जो प्रेमी होते हैं, तो उसने सोचा यह वाणी तो गजब की है, आत्मा को खींच रही है। उसके पास जाकर बैठ गया, जब उसने सारा नित्यनेम कर लिया तब कहने लगा, भाई भगत जी ये कौन से संत की आपने वाणी सुनी, हमने गुरु ग्रंथ साहब में तो नहीं सुनी कभी ये। तो उन्हें कहा जी एक संत हैं गरीबदास जी मेरे गुरुजी, उनने भगवान मिले हैं और उन्होंने ये वाणी बोली है उनको देख के। क्या वो संत अभी भी हैं, जो उस राम राय ने पूछा। कहाँ जी, गांव छुड़ानी जिला, पहले तो जिले जाले थे को नहीं, वो स्थान बता दिया बहादुरगढ़ के पास ऐसे ऐसे। अब उसने सोची ऐसा संत और सामने जीवित है तो दर्शन करने चाहिए, इस उद्देश्य से चल पड़ा। अब वहाँ आकर, अब लंबी कथा ना सुनाऊंगा, थोड़ा सा हिंट दूंगा इसमें। तो सिद्ध है जब पता चला गरीबदास जी ये हैं,
गरीबदास जी से मिले। वो तो सिंपल वेशभूषा में थे, जैसे हरियाणा के लोग रहते हैं, धोती कुर्ता, खेती किसान करते हैं, ऐसे थे। क्योंकि परमात्मा की भक्ति में कपड़े किसे पहनो, लेकिन सुविधाजनक हो, बकवादी ना हो। आजकल ये बच्चे ऐसी जींस पैर का हों, प्लस्टर सा करवा के ऐसे लड़कियां पहनने लगी, ये नहीं अलाउड होगा आश्रम के अंदर। ऐसे सताओ ढंग से जैसे बच्चे भगत रहा करते हैं, लेकिन मेरे लाल पीले कपड़े पहन के आडंबर बाह्य करके ये भी जरूरत नहीं है। भक्ति करने के लिए अपनी भक्ति से मोक्ष होगा, उस मंत्र से मोक्ष होगा, साधना से मोक्ष होगा, उसको किसे वेशभूषा करो। तो गरीबदास जी के पास जब उस बैठे, उन्होंने ज्ञान सुनाना शुरू किया और ए से लेकर जेड तक सारा ज्ञान सुना दिया। गरीबदास जी ने आंखों देखा हालत थी, तब कहने लगे, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया। अब राम राय जी को नू तो पता था कि नानक साहिब जी को भगवान मिले थे, अकाल पुरुष मिले थे, और वो सचखंड लेकर गए थे, तीन दिन में छोड़े थे और बेई नदी से गए थे, इतना पता था। तब कहते हैं गरीबदास जी, कहते हैं वही जो नानक साहिब जी को लेकर गया था, वही अकाल मूर्त मुझे लेकर गया था सतलोक में, उनका भी कल्याण उन्होंने किया था। गरीबदास जी ने बोला कि झांकी वेख कबीर की नानक की तीवा, वा सिखों के गल पड़ी इब कौन छुटावे ता। अब राम राय ने पूछा, जी फिर ये वाहे गुरु सतनाम हम कहते हैं ये क्या है? तो उन्होंने बताया कि जब परमात्मा अकाल मूर्त जी सतलोक में लेकर गए और वहाँ उन्होंने जो नज़ारा देखा और फिर नीचे आकर देखा, वो धानक रूप में बैठा, तो कहते झांकी वेख कबीर की, झांकी माने वो झलक सतलोक की। जैसे 26 जनवरी पर आप देखते हो ना, पंजाब की झांकी या हरियाणा की झांकी, वो आते हैं उसमें झांकी बना के मॉडल मॉडल, जो उसके वहाँ का जो भी कुछ वहाँ पर अच्छी चीज़ें हैं उनका मॉडल बना लेते हैं, किसी टेंपल का, किधर फैक्ट्री का, किधर नहर का, कंस्ट्रक्शन का, तो उसको झांकी कहते हैं। तो सतलोक का वो देख कर नज़ारा, कहते नानक कीर्ति वाह वाहे वाहे करो, और वह सिखा का गलपरीब कौन छुटाई था, नानक जी तो और मंत्र जाप करा दे सतनाम का दो अक्षर का, अरे तुम वाहेगुरु करते हो। कहते नानक तो निर्भय किया वाह वाह गुरु सतजान, और अदली पुरुष पिछाणिया नानक पद निर्वाण। अब गरीबदास जी बता रहे हैं और राम राय जी सुन रहे हैं कि कहते झांकी वे कबीर की नानक कीती वाह 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 गुरु वाहेगुरु वाहे, और तुम वाहे गुरु करण लग गए। झांकी वे कबीर की नानक कीती वाह वाह सिखा के गल पड़ी कौन छुटावे ता। अब कहने का भाव यह है कि राम राय जी कहने लगे, जी जो ज्ञान आपने बताया। फिर गरीबदास जी ने कहा तो सक्या, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया और वो जात दुलाहा भेद नहीं पाया, काशी माए कबीर वाह वो है दानक रूप रहा करता। गुरु ग्रंथ साहब के 24वें पृष्ठ में लिखा है, फाई सूरत मुल्क की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश खरासियाना बहुता बार, ये धानक रूप रहा करता। 721 पृष्ठ पे लिखा है, हक्का कबीर करीम तू बे अप्रवर्दिगार। 731 पृष्ठ पे लिखा है कि अंधला नीच जात परदेसी मेरा, और छिन्नावे तल जावे, एक मिनट में यहाँ देखूँ दूसरी सेकंड में ऊपर बैठा पावे, और ताकि संगत नानक रहंदा कैसे ओढ़ पावे, कैसे उसकी था पाऊँ। अब क्या कहने लगे वो राम राय, कहने लगे हे महाराज, ओ हो यू ज्ञान तय किसे ने आज तक बताया को नहीं, कोटों मध्य कोई नहीं रे झूमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो रे झूमकरा, ये तत्व भेद कोई ना कह रे झूमकरा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो रे झूमकरा, कोटों मध्य कोई नहीं रे झूमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो रे झूमकरो। अब क्या बता रहे हैं गरीबदास जी के, अरब संतों में नहीं मिलेगा आपको इस ज्ञान के बताने वाला, करोड़ों में नहीं मिलेगा, अरबों में कोई एक गर्क। जैसे हमारी देसी भाषा है या ज्यादातर हरियाणा की, हम सुना करते कि अभी फलाना व्यक्ति तो धन में गर्क है, यानी घना धनी होना उसको कहा करते, धन में गर्क है,
यानी गजब का घणाए धनी है, धन की अंत नहीं जिसके पास, यानी पूरा साहूकार है गर्क माने। तो ये कहते हैं कोटों मध्य करोड़ संतों में नहीं मिलेगा आपको, अरबों में कोई गर्क है। गर्क माने कंप्लीट धनी इन ऑल रिस्पेक्ट, जिसके पास पूरा ज्ञान और पूरा समाधान है, वो संत तो अरबों में मिलेगा। तो पुण्यात्माओं ये दास है वो तत्वदर्शी संत अरबों में आज। तो पुण्यात्माओं आज का जो ये समागम, इस दास को वो परम संत मिले थे इस शुभ दिन को, और ये खजाना मिला था जो आज ये दास आपको बांट बांट कर धनी बना रहा है राम नाम के।